नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज एक बार फिर से हम अलग अलग विधानसभाओं का हाल जानेंगे, लेकिन आज यूपी से नहीं उत्तराखंड की अलग अलग विधानसभाओं से हम हालात जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर चुनावी माहौल कैसा है। तो आज हरिद्वार और चमोली का हम रुख करेंगे, यहाँ पर आम जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि 2017 में बीजेपी सत्ता में आई लेकिन 3 मुख्यमंत्री के चेहरे यहां बदले हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी पर विश्वास जनता जता पा रही है, या फिर दूसरा विकल्प चुन लिया है आम जनता ने, या फिर इस बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ देर में मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे हालात है वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, प्राकृतिक आपदा को छोड़िए, इसके अलावा भी जो दावे वादे किए जाते हैं कि यहाँ पर बेहतर विकास किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। देखिए, अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो फिर भी मैदानी इलाका है। चमोली के कुछ गांव ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों में आते हैं, जहाँ पर विकास नहीं पहुँचा है। पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और तब जाकर उन्हें पीने का पानी मिल पाता है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, कई जगह पर सड़कें बनी हैं तो एक ही बरसात में पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। तो क्या सच्चाई है, कैसे हालात हैं, रिपोर्टर से पूरी सच्चाई हम जानेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बरसात का पानी भरा हुआ है और इसी पानी और इन्हीं गड्ढों में से आम जनता निकलने के लिए मजबूर है। और ये देखिए, पीने के पानी के लिए महिलाएं, मासूम बच्चियां जो हैं वो कई किलोमीटर तक पैदल जा रही हैं। तो हर घर जल योजना के तहत जो पानी है वो नहीं लोगों को मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि टंकियां तो लगा दी गई हैं, नल तो लग गए हैं, लेकिन उन नलों में अब तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुँच पाया है। तो ये हालात हैं देवभूमि के, कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल भी जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ तस्वीरें हमने पहले देखी थी, उत्तराखंड के कुछ लोगों ने विरोध जताया था और मोटरसाइकिल को कंधे पर रखकर कई किलोमीटर तक वो पैदल चले थे। तो उत्तराखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव लड़ा, महंगाई हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो तमाम चीजें हों। योगी, ऋषभ और पुष्कर मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार से ऋषभ हैं और चमोली से पुष्कर। सबसे पहले हम हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, हरिद्वार में चुनावी माहौल कैसा है, समय बेहद कम है, तस्वीर कितनी साफ हो पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चुनाव में माहौल है उसका है, बहुत चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि बीजेपी 2017 के आंकड़ों से देखा जाए तो बीजेपी की जो सीट 3 नई आई थी उसमें 11 विधानसभा थी यहाँ पर, जो कि 7 ही बीजेपी ला पाई थी। इस बार बीजेपी की 11 पे ही पूरी नजर है और कांग्रेस 3 ला पाई थी, लेकिन कांग्रेस का मानना यह है कि इस बार हम 7 से ज्यादा यहाँ सीट लाएंगे। ठीक है ऋषभ, अगर हम संतों की बात करें तो संतों की नाराजगी जो है वो हमने इन दिनों काफी ज्यादा देखी थी, तो क्या अब सुलहनामा कर लिया है बीजेपी के साथ या अभी भी नाराजगी है? देखिए, संत भी दो तरफ है, बीजेपी से नाराज भी है, बीजेपी के खिलाफ भी है, क्योंकि जो नरसिंहानंद जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जो देखा गया है कुछ संत बीजेपी से खफा है, इसी वजह से संतों का आशीर्वाद बीजेपी की ओर कम है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर देखा जा रहा ऋषभ, तो इन 5 सालों में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, 3 चेहरे हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पर जनता का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में दिखाई देता है, क्योंकि जब भी धामी आम जनता के बीच पहुंचते हैं तो एक अलग ही उत्साह जो है लोगों में देखने के लिए मिलता है। तो क्या इससे हम ये समझें कि धामी को वाकई लोग पसंद करें, एक मौका देने की चाहत अब लोगों की है उन्हें? धामी तो लोग लोकप्रिय मानते हैं, लेकिन जो बीच में ऐसे हुए हैं जैसे संतों को लेकर अभी बीच में हुए थे कार्य गिरफ्तारी का, उसमें फिर विरोध संतों की तरफ से हुआ था, और कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जो धामी
के खिलाफ जाते हैं। इस वजह से बीजेपी की पकड़ इस बार थोड़ी कम दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। ऋषभ, हरिद्वार में आम जनता ने क्या मन बनाया है? मूलभूत सुविधाएं लोगों तक क्या पहुंच रही हैं? जो समस्याएं हैं मुख्य, वो क्या है आम लोगों की? हरिद्वार की विधानसभा की, अगर हरिद्वार विधानसभा की खाली बात करें, हम तो इस बार मदन कौशिक चार बार के लगातार विधायक है, पांचवी बार वो चुनाव विधायक का लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन जरूरी के लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन जरूरी, क्योंकि यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, 20 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ, हॉस्पिटल कॉलेज ऐसा कुछ उन्होंने और ना स्कूल कुछ ऐसा नहीं दिया जो जनता उन पर भरोसा जता सके। तो नाराजगी है उनके खिलाफ लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है, या हरिद्वार ग्रामीण की बात करें या हरिद्वार विधानसभा शहर की बात करें, बीजेपी के खिलाफ ही लोग हैं। ठीक है ऋषभ, ये बताइए कि इस बार देखिए, अब सीधी टक्कर हम ये कहें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो ये कहना भी बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि तीसरी पार्टी जो है विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी मैदान में है और पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो क्या हरिद्वार में आम आदमी पार्टी का जरा सा भी असर जो है वो दिखाई देता है? आम आदमी पार्टी का जो हरिद्वार में असर है वो ग्रामीण की तरफ थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन शहर की अगर हम विधानसभा शहर की बात करें हरिद्वार की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दमखम तो ठोका है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जिस प्रचार में उनकी जो है वो कुछ कमी है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को। ऋषभ, यानी ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण इलाके जो हैं, जो दूर दराज में हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हमने अभी भी हरिद्वार के कई गांव की देखी है जहां पर आम लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, अस्पतालों की समस्या से जूझना पड़ता है, शिक्षा की समस्या से जूझना पड़ता है, वो आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता रही है? बिल्कुल, वो आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता रही है, और उन्होंने जो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करा है उस पे भी जनता उनके साथ चल रही है। ठीक है ऋषभ, आप मेरे साथ बने रहिए, ऋषभ मेरे साथ बने रहिए। आप पुष्कर सिंह नेगी चमोली से हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर, चमोली के कैसे हालात है? मौसम तो बेहद खुशनुमा बना हुआ है, मीठी मीठी धूप भी खिली हुई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जनपद चमोली का हाल तो तीनों विधानसभाओं में, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे आपका थराली हो, चाहे आपका बद्रीनाथ विधानसभा हो, ये 14 फरवरी का दिन जब आएगा तो लोग अपने घरों से मत के लिए निकलेंगे, तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनती है या किसको जनता अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या क्षेत्रीय जो दल हमारे हैं, चाहे UKD हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबके सब क्षेत्रीय पार्टी की खासकर मैं बात करूं तो क्षेत्रीय पार्टी जो जिस तरह से जो पहाड़ी जिले हमारे हैं यहाँ पे जो है लगातार जो कंपेनिंग कर रहे हैं डोर टू डोर, या तो आम आदमी पार्टी हो या आपका UKD हो या तमाम सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे आपके कांग्रेस की सरकार हो, जो 21 साल हमने बिता चुके हैं, लेकिन हमको अभी तक मेन मुद्दा जो है नहीं मिल पाया। अभी भी हम लोग जो है राजधानी के मुद्दे को लेकर झेल रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे को लेकर झेल रहे हैं, पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा पलायन का है, और जनपद चमोली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 106 गांव जो है खाली हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, तो इनको लेकर जो है तमाम सारी पार्टियां जो है गांव-गांव डोर टू डोर जारी है और यहाँ पे कंपेनिंग करे कि यदि हमारी सरकार आएगी। उसका एक बहुत गंभीर मुद्दा जो है वो आपने गिनवाया है, पलायन का। देखिये उत्तराखंड में ये बहुत ही गंभीरता से देखा जाता है, हर एक सरकार से उम्मीद होती है कि पलायन जो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है उसे रोकने की कोशिश की जाए। देखिए 5 साल बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन अगर हम कहें कि पूरी तरह से खत्म हो गया है तो ये भी गलत होगा कहना, क्योंकि पूरी तरह से पलायन खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर कांग्रेस के शासनकाल की हम बात करें तब भी पलायन चरम पर था, अब आम आदमी पार्टी भी बीच में उतर आई है और कहा है कि पलायन हम किसी को नहीं करने देंगे, तो ऐसे में आम जनता किस पर विश्वास जता सकती है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस को भी देख लिया है, 10 साल बीजेपी को भी देख लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने नाजायज प्रश्न, आपने सॉलिड और सटीक प्रश्न यहाँ पे उठाया है कि पलायन सबसे बड़ी मुद्दा जो है
इस समय उत्तराखंड का रहा है, चाहे आप मैदानी इलाकों की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें या कुमाऊं वाला बॉर्डर आप चले जाइए, वहां से भी लोगों ने पलायन किया। पलायन क्यों किया है लेकिन इस पर किसी ने सोचा नहीं है। बेरोजगारी को लेकर लोग जो है पलायन कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर लोग जो है पलायन कर रहे हैं, यहाँ तक कि पौड़ी से जो पलायन आयोग हमारा गठित हुआ था जो पिछली सरकार के, उसने जो है पलायन जो है देहरादून की तरफ कर लिया। तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं यदि इन पे कोई रिसर्च करे या इन पे कोई वादे करे, क्योंकि लोग लुभाने वादे सब कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि हम फ्री बिजली देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे या फ्री स्वास्थ्य करेंगे, लेकिन जिस तरह से यदि धरातल पर आप जाएंगे तो आपको मिलने को एक्चुअल में जिसको जरूरत है, आवास योजना की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में जिसको जरूरत है तो उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि धरातल पे काम नहीं होता, किसी और को ही मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई है पहाड़ों की विडंबना रही है कि शिक्षा को लेकर लोग शहरों का रुख करते हैं, स्वास्थ्य को, यदि कोई महिला बीमार हो जाती है उसको जो पहाड़ों से नीचे निकल कर जो है ऋषिकेश या हरिद्वार या देहरादून इनके यहाँ प्लान करना पड़ता है, दिल्ली तक लोग चले जाते हैं। तो जब तक ये सरकारें आएंगी या सरकारों ने जब तक जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनके लिए ठोस कार्रवाई या ठोस नियम नहीं बनाया, तब तक प्लान को रोकना नामुमकिन है। और लगातार चाहे भाजपा हो, पांच साल चाहे भाजपा ने राज किया हो, जनता को लुभावने वादे दिए हैं तो तब भी जनता ने ठगा महसूस किया है, और कांग्रेस ने भी पांच साल किए हैं तो तब भी जनता ने जो है ठगा महसूस किया। लेकिन अब जाके जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है अपना रुख जो है पहाड़ों की ओर कर रही है, हालांकि ये 2022 का चुनाव जो बताएगा, जो 14 फरवरी को लोग जब वोट डालने जाएंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन सी सरकार किसकी बनेगी या कौन सा मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें मतदान की तो मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि पहाड़ी इलाकों में जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर मतदान कराना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, तो ऐसे में क्या तैयारियां इस बार देखी जा सकती हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार पूरी तैयारियां बखूबी कर ली गई हैं, क्योंकि एक तो कोरोना काल भी है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं असंवेदनशील इलाके भी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जनपद चमोली की अगर मैं तीनों विधानसभाओं की बात करूं यहाँ पे कि कितने वोटर हमारे इस समय जुड़े हुए हैं, कोई नए हैं, पुराने हैं और यंग वोटर हैं, तो 298,000 करीब हमारे पूरे जनपद चमोली की तीनों विधानसभाएं हैं, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे आपका कर्णप्रयाग हो, चाहे आपका थराली वाला हो, तो 2 लाख से ऊपर यहाँ पे 298,715 यहाँ पे वोटर हैं इस समय जो है अपना वोट का मतदान का प्रयोग करेंगे। अगर मैं पुरुष वोटरों की बात करूँ तो 1,52,000 के ऊपर हमारे जो वोटर इस समय जनपद चमोली के हैं। अगर आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात करी या आपने जो है वोटिंग डालने की बात करी, तो इस समय जो है चाहे सरकारें हों, चाहे आपका निर्वाचन आयोग हो, चाहे आपकी स्थानीय जो प्रशासन है या स्थानीय जो नागरिक हैं, इनको जो है जागरूक किया जा रहा है, बड़े बड़े LED वाहन जो है प्रचार करें कि आप जो है मतदान के लिए आए हैं। क्योंकि जनपद चमोली ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ ऑल इंडिया की तरफ से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहाड़ी इलाके हमारे यहाँ जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी, धनौल्टी, उधर आप कुमाऊं वाले एरिया में चले जाए, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, आपका चंपावत हो गया, खटीमा हो गया, तो तमाम सारे जो पहाड़ी इलाके हमारे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप मौसम विभाग ने भी अपना अलर्ट किया हुआ है कि 2 से लेकर 5 तारीख के बीच मौसम जो है बदलेगा, मौसम जो है चुनौती समय बन सकता है, तो इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तो पूरी तरह कर ली, क्योंकि निर्वाचन आयोग समय सीधे सीधे मॉनिटरिंग करा और डेली की रिपोर्ट भी जारी है। अगर जनपद चमोली की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जनपद चमोली के जो पोलिंग स्टेशन इस समय टोटल जो है 574 पोलिंग स्टेशन इसमें बनाए गए हैं तीनों विधानसभाओं में। तो दूरस्थ पोलिंग स्टेशनों की बात करूं जहां पर 23-23 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, 15-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो ये यहां से 2 दिन पहले जिन कर्मचारियों की या जिन अधिकारियों की यहां पे ड्यूटी लगी रहती, तो इनके अभी से ही ट्रेनिंग का दौर जो है शुरू हो गया है। हालांकि पुष्कर, यानी कहा जा सकता है कि चमोली में तैयारियां पूरी कर ली गई है पार्टी की तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से भी, कि कैसे पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, कितने स्टेशन होंगे और क्या वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, ऋषभ लगातार हरिद्वार से मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, हरिद्वार कहा जाता है कि मैदानी इलाकों में से एक है पहले तो, दूसरा है कि हरिद्वार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, ऐसा इन 5 सालों में बीजेपी कहती आई है कि हमने हरिद्वार में बहुत विकास हुआ है, लेकिन बहुत गंभीर आरोप भी लगे हैं कि हरिद्वार में जब कुंभ हुआ था तो यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई थी, उसका असर क्या दिखाई देता है संतों में, आम जनता में, अधिकारियों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, संतों का आरोप है कि आस्था के साथ खिलवाड़ सरकार ने करा है और उसी दौरान मुख्यमंत्री बदलने की भी प्रक्रिया करी गई थी।
संतों ने यही कहा था कि जो कोरोना गाइडलाइन का उसका पालन हम करेंगे, लेकिन आस्था के साथ हमारे खिलवाड़ ना करें। और लेकिन दूसरी तरफ जनता का भी ये कहना था कि जो सरकार चाहती है कोरोना गाइडलाइन का पालन कराए, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं मानी। उसके बाद भी सरकार ने उस तरीके की नीति अपनाई जो कि बहुत गलत थी, एक तरफा राजनीति दबाव में रहकर कुंभ करा गया था। चलिए ऋषभ, ये बताइए कि हरिद्वार के जो मुद्दे हैं वो कौन से हैं इस बार, कौन कौन से मुद्दों पर हरिद्वार में आम जनता वोट डालेगी और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार से मांग की है कि ये समस्या हमें है, इसका निवारण होना चाहिए, तभी हम वोट करेंगे। क्योंकि कई इलाकों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी कि वोट का भी बहिष्कार कुछ लोगों ने किया है। हरिद्वार में सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम यह है कि नशा, हरिद्वार पूरी नशे की गिरफ्त में है। और जो कि सीधा साधा आम जनता भाजपा पार्टी पर आरोप लगाती है कि उनके शहर पर ही ये कार्य हो रहा है। और दूसरा आपको यहाँ पे कॉलेज का बता दे, तीसरा आपको हॉस्पिटल का बता दे, ये मुद्दे ऐसे हैं जो हरिद्वार में सबसे बड़े मुद्दे इस टाइम के हैं। लेकिन सबसे बड़ा नशा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी नशा मुद्दा लेके ही चुनाव लड़ रहे हैं हरिद्वार विधानसभा से। देखिए, अभियान तो बहुत ज्यादा चलाए जाते हैं, नशा मुक्ति अभियान, इसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसके तहत हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, हम युवाओं के बीच जाते हैं, कई नेता ऐसे भाषण जो है वो देते हुए नजर आते हैं, उसके बावजूद भी हरिद्वार क्यों नशे की गिरफ्त में है? नशे की गिरफ्त में इसलिए आम जनता का आरोप यही है कि ये सब दिखाने के लिए अभियान वगैरह सरकार भी जो जागरूक करती है सब दिखाने के लिए करती है। लेकिन अगर स्थानीय विधायक मंत्री नेता ही ठीक हो जाए जिनके सह पर ये कार्य होते हैं, अगर ये सब हो जाए तो हरिद्वार नशा मुक्त हो जाए। बिल्कुल। इसके अलावा ऋषभ, ये बताइए कि जो विधायक हैं क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि विधायक चुनाव के टाइम ही जनता के बीच जाते हैं, वरना 5 सालों में एक बार भी, जनता का ये आरोप है कि एक बार भी विधायक उनकी कोई समस्या सुनने नहीं जाते। और प्रदेश अध्यक्ष भी है तो जब भी उनके दफ्तर लोग जाते हैं तो यही बोला जाता है कि वो देहरादून है, देहरादून है। अच्छा। उनसे संपर्क नहीं हो पाता। ऋषभ, तो क्या आपकी कभी बात हुई है इन विधायकों से जो सिर्फ 5 सालों में एक बार निकलते हैं जब चुनाव होते हैं? क्या आपने कोई सवाल किया कि आप अपने क्षेत्रवासियों के बीच क्यों नहीं पहुंचते, उनकी समस्याएं क्यों नहीं सुनते? जी बिल्कुल, मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास करा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि मैं बाद में आपको बाइट वगैरह दूंगा। अच्छा, बाद में आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा उनका कहना था? बिल्कुल बिल्कुल, कह रहे समय, उन्होंने बोला था मेरे पे अभी समय नहीं है। और डिबेट के लिए भी मेरी बात हुई थी। अच्छा। उसमें भी मेरे को ये बोला गया था वो समय नहीं है वोट मांगने के लिए, समय है सिर्फ चुनाव के टाइम पे समय मिलता है, उससे पहले समय नहीं मिल पाता। एक बार गद्दी पर विराजमान हो गए तो वहां से उठने की तैयारी नहीं होती इनकी। चलिए ठीक है ऋषभ, मेरे साथ बने रहिए, पुष्कर से मैं बात करूंगी। पुष्कर, जो सवाल मैंने अभी ऋषभ से किया था कि क्या विधायक आम जनता के बीच पहुंचते हैं, यही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं, चाहे वो कर्णप्रयाग हो, थराली हो या बद्रीनाथ हो, यहां जो विधायक हैं अपने क्षेत्र में निकलते हैं, भ्रमण करते हैं कि वहां के हालात कैसे हैं, या सिर्फ वो भी इन 5 सालों में आराम से आंखें मूंदे बैठे रहे हैं और अब उनकी आंखें खुली हैं जब वोट मांगने का टाइम हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों का पलायन तो सबसे पहले नेताओं ने ही किया है। तो जनपद चमोली की बात तो रही दूर, लेकिन जब हरिद्वार के विधायक ही जब उनको नहीं मिल पाते तो चमोली के विधायकों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो 24 घंटे जो है यहाँ पे अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर बात करी जाए तो इलेक्शन जब आता है तभी लोग जो है, तभी विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो आपके सांसद हों, वो तभी जो है इलाकों का दौरा करते हैं। सेम कंडीशन जो है हरिद्वार की कंडीशन भी यहाँ पहाड़ों में भी लागू होती है, क्योंकि पहाड़ों में कोई रहना नहीं चाहता है। बड़े बड़े अधिकारी हों, चाहे आप शिक्षा से लगा लो या आप जो है स्वास्थ्य से लगा लो या आप नेताओं की, अगर मैं बात करूं जनपद चमोली के जो विधायक रहे हैं या जो इस समय कंपेनिंग कर रहे हैं, उनके सबकी कोठियां देहरादून या हरिद्वार या दिल्ली में हैं। तो अगर मैं इस समय वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान के जो विधायक हैं तो उनको तो हमने ऋषिकेश ही देखा है,
हाँ हालांकि इस समय जो है लगातार जो है, लेकिन पुष्कर अगर ऋषभ की मैं बात करूं तो ऋषभ ने ये कहा है कि उन्होंने कई बार विधायक जी से संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हम बाद में आपसे बात करेंगे। क्या आप विधायक जी के पास पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है? वो भी यूं ही कहते हैं कि बाद में बात करेंगे या चर्चा कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ भी एक दो बार यही घटना घटी है, लेकिन उसके बाद जब यदि हमने उनका इंटरव्यू लेना चाहा या करना चाहा तो टाइम दिया है उन्होंने। लेकिन जब पहाड़ों में विधायक रहता है तो मिल जाता है, लेकिन यदि यहाँ से प्लान कर जाता है, यदि देहरादून चला जाता है या ऋषिकेश चला जाता है, तब समस्या आ जाती है कि नहीं मिल पाते हैं। लेकिन हमने भी एक दो बार बात करी है, एक बार तो मीटिंग का हमें हवाला दिया गया है, और उसके बाद दूसरी बार जब हमने उनसे कोशिश करने की संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम अपने आवास पर हैं, यहीं गोपेश्वर में ही हम उनसे मिले हैं। चाहे राजेंद्र भंडारी जो पूर्व काबीना मंत्री हो उनसे बात करी हो, या जो वर्तमान विधायक है महेंद्र भट्ट है, इनसे हमने बात करी है, ये मिले हैं। हालांकि जनता के भी इस समय दोनों विधायक, चाहे वो वर्तमान विधायक हो चाहे वो आपके पिछले वाले विधायक, कर्नाटक विधायक की अगर मैं बात करूं, सुरेंद्र सिंह नेगी से हमारा संपर्क आज तक नहीं हो पाया इन 5 सालों में, क्योंकि वो या तो वो देहरादून ही रहे या तो अपनी ठेकेदारी पर उन्होंने काम किया है, तो जनता के बीच क्या जाएंगे। और अगर कर्नाटक विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अगर थराली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है 2017 में जो है मगनलाल साजी का आकस्मिक निधन हो गया था, उसके बाद जो मुन्नी देवी शाह यहाँ पे विधायक बनी और उनके बाद उनका हमसे उनका संपर्क नहीं पाया, उन्होंने भी देहरादून पलायन कर दिया। और हाँ, हालांकि बद्रीनाथ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पे विधायक आते हैं, मिलते हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो आम जनता हो। ये समझ में आता है कि विधायक बनते ही, सत्ता मिलते ही इनका पलायन पहले शुरू हो जाता है, आम जनता तो बाद में करती है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लान सब बड़े बड़े आपने देखा होगा, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े जो विधायक हैं या बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, उनका जो है पहाड़ों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने जो है पहाड़ों से पलायन किया है, तभी लोग, क्योंकि ये लोग यदि पहाड़ों में रहते थे तो तभी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे सुधर पाते, अधिकारी यहाँ पे बैठते थे, लेकिन जब पहाड़ों से ही नेताओं ने पलायन कर दिया, प्लेनों में चले गए, तो कौन अधिकारी यहाँ आना चाहेगा? जो फ्री की राजनीति की जा रही है, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसका असर क्या चमोली के इलाकों में पड़ा है, चाहे वो कर्णप्रयाग हो, थराली हो या बद्रीनाथ विधानसभा हो, क्या इसका असर दिखाई दे रहा है? देखिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इस बारे में मैं बता दूं, तो फ्री का वादा जो है चाहे भाजपा ने किया हो, चाहे कांग्रेस ने किया हो, चाहे अब आम आदमी पार्टी कर रही हो, क्योंकि लोगों का सीधे सीधे दावा ये है कि हम जब 300 यूनिट बिजली जलाते ही नहीं तो हमें फ्री कहाँ से आ गया, और हमें जो है बेरोजगारी रोजगार आप दे नहीं सकते हो तो 500 रुपये या 500 रुपये आप हमको कहाँ से दे दोगे। तो इसको लेकर जो है अभी पहाड़ों, क्योंकि पहाड़ों की कंडीशन या पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति जरा मैदानों से अलग रहती है, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी कनेक्ट नहीं हो पाता है, हर आदमी तक जो है योजना नहीं पहुँच पाती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। यदि अगर मैं एक छोटी सी बात, छोटा सा आपको एक उदाहरण दे दूँ कि जिस तरह से जो जल मिशन योजना के तहत जो है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन हर घर नल तो चला गया है, लेकिन नल की जगह इनमें हवाएं बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल सही पुष्कर, और एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर आपने कही है कि कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, कनेक्टिविटी आम लोगों में तो नहीं हो पाती, कनेक्टिविटी जब ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे करते हैं तब भी नहीं हो पाती है। बात तो मुफ्त की राजनीति की होती है कि हम मुफ्त में आपको बिजली देंगे, मुफ्त में आपको पानी देंगे, मुफ्त में आपको रोजगार देंगे, आप बेरोजगार बैठे रहिए, हम आपको भत्ता देते रहेंगे, ये नहीं कहते कि हम आपको नौकरी देंगे, ये कहते हैं कि आप बेरोजगार बैठे रहिए, हम आपको भत्ता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पूछा कि जिस तरह से ना कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, जनपद चमोली की मैं बात करूं, दूरस्थ इलाका जो है 23 किलोमीटर पैदल जाना है, अभी जो है 14 फरवरी का जो इलेक्शन आएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जो गाड़ियाँ लगी हैं, जो अधिकारी हैं, इन पर GPS, हम इसको कहते हैं कि GPS आपको ट्रैकिंग किया जाता है, लेकिन कलकोट, डूमक और आपका घेस, बदाण और आपका गैरसैंड का इलाका नागतुला खाल को जोड़ते हुए जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी जीरो है। तो हालांकि प्रशासन तो लगा है कि हम कनेक्टिविटी यहाँ पे देंगे, लेकिन जब चुनाव होगा या जब यहाँ पे लोग जाएंगे, जब यहाँ पे अधिकारी जाएंगे, तो तब मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी किस तरह की आती है। लेकिन अभी आपने ऑनलाइन पढ़ाई की बात करी, तो सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो कनेक्टिविटी, जो पहाड़ों में जो कनेक्टिविटी का जो दौर है, क्योंकि भारत संचार निगम की जो लिमिटेड जो कंपनी होती थी, तो गाँव इनके टावर लगे थे, लेकिन वो इस समय जो है पूरे बंद पड़े हुए हैं। जियो चल रहा है, उस पर जो है रिचार्ज महंगा हो गया है, एयरटेल चल रहा है, उस पर रिचार्ज महंगा हो गया, लेकिन गरीब आदमी तो जब अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो कहाँ से पढ़ पाएगा? एक तो कनेक्टिविटी नहीं, अगर आप लाइट की बात करो, मैं लाइट की बात करूँ तो दूसरा बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ तस्वीरें सामने आई थी, हमने देखा था कि पहाड़ों की चोटियों पर जाकर बच्चे जो है वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कि शायद कनेक्ट हो जाए और वो फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। चलिए ठीक है पुष्कर, ऋषभ आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा कि
चमोली में तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हरिद्वार में भी क्या ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है? आम जनता की कनेक्टिविटी जो विधायक से रहती है और वो कनेक्टिविटी जो इंटरनेट के माध्यम से रहती है। वो यहाँ पर चमोली जैसा हाल नहीं है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन आम जनता की जो विधायकों से कनेक्टिविटी रहती है उसपे तो बिल्कुल ही नेट की कनेक्टिविटी से भी बदतर आम जनता की और विधायक की कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जनता से संपर्क और जनता संपर्क विधायक से नहीं कर पाती है, उनके आवाज पे जाती है, वो मिलते नहीं है। चलिए ठीक है ऋषभ, हम समझ गए कि हरिद्वार में कनेक्टिविटी इंटरनेट की तो ठीक है, लेकिन आम जनता और लोगों के बीच जो विधायक के बीच कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं खराब है, और चमोली में तो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, आम जनता को लेकर, पलायन को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं बनी हुई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और क्या तस्वीर है वहां की, कैसे हालात है चुनाव को लेकर वो समझाने के लिए। तो चमोली हरिद्वार को हमने समझा है, यहाँ पर हालात कैसे हैं वो हमने जानने की कोशिश की है। तो ऐसे में इससे ये साफ हुआ है कि बीजेपी से भी आम जनता खुश नहीं है, कांग्रेस का शासन देख चुकी है आम जनता, आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताना कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि फ्री की राजनीति यहाँ की जा रही है, लेकिन आम जनता अब समझ चुकी है, समझदार है कि सिर्फ फ्री की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला, अब उन्हें विकास चाहिए अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने शहर का और अपने प्रदेश का। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे कुछ और विधानसभाओं के साथ और वहां जानने की कोशिश करेंगे कैसे हालात है चुनाव को लेकर। नमस्कार।